कोरोना महामारी से जहां एक ओर पूरा विश्व परेशान है, वहीं पूरे भारत में लॉकडाउन के 20 दिन बीत जाने के बाद सोमवार को छतरपुर जिले के विजावर में डाकखाने चौराहे पर अनुविभाग के सभी आला अधिकारियों और विजावर विधायक ने मिलकर नगर परिषद में काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों जो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर नगर को स्वच्छ व सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं, उन्हें सम्मानित किया। क्षेत्रीय विधायक राजेश बबलू शुक्ला की उपस्थिति में सभी अनुविभाग के आला अधिकारियों के साथ मिलकर इन सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर सभी को प्रशस्ति पत्र, सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का वितरण किया गया। साथ ही विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने भी सभी सफाई कर्मचारियों को अपनी ओर से एक एक जोड़ी ड्रेस देने की घोषणा की। क्योंकि मैंने तो अपनी उम्र में नहीं देखा इतना भय व्याप्त किसी चीज का आज तक हुआ, चाहे वो कोई सी भी घटनाएं हो, कोई सी भी बीमारी हो, लेकिन जनता के अंदर और देश के अंदर इतना भय व्याप्त नहीं हुआ। तो इतने भय वाले प्रकरण में जिस निष्ठा और सेवा भाव से सफाई कामगारों ने रात दिन में सारा अमला बड़े निर्भीक होकर के सड़कों पे उतरा है, उसने सारे शहर को सैनिटाइज किया है, हमारे सारे सफाई संरक्षकों ने सफाई की है, अन्न अमले ने सैनिटेशन का काम किया है, केमिकल का छिड़काव किया है, और किसी भी कर्मचारी ने इस पूरे दौर में एक भी दिन के लिए हमसे ये नहीं कहा कि सर हमको थकान आ गई है या हम बीमार हैं या हमको फला काम है। चूंकि शासन निर्देश थे कि समय कोई अवकाश न दिया जाए, कोई मुख्यालय न छोड़े। बिजावर से हृदेश मंगली, सागर टीवी न्यूज़।